कोई कोई अल्लाह के कुर्बे हुसैन का कोई अंदाजा कर सकता है? क्यों भाई, क्यों भाई कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर कोई मुझसे पूछे इस्लाम क्या है, तो मैं इकबाल की जुबान में यही कहूंगा, हसीनों सादा और रंगी है दास्तान हरम हरम, हसीनों सादा और रंगी है दास्ताने, ये हरम की दास्तान बड़ी हसीन है, बड़ी रंगीन है और बड़ी सादा। कोई कोई अलजबरा नहीं है, कोई फलसफा नहीं है इसके अंदर, बड़ी सादा सी जुबान है, सादा सा किस्सा, सादा सी कहानी। और वो कहानी क्या है, क्या है? निहायत आए हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इस्लाम इस्माइल से शुरू होता है और हुसैन पर मुकम्मल हो जाता है। निहायत आए इंतहा के साथ एक्सट्रीम को क्लाइमेक्स, निहायत आए हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कुर्बान जाए अल्लामा इकबाल ने भी कमाल कर दिया, उसे तरतीब भी कायम रखी। आप कहेंगे तरतीब तो उल्ट कर दी, कर दी, निहायत आए हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो निहायत की बात पहले की, इब्तिदा की बात बाद में, हालांकि इब्तिदा की बात पहले होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस्माइल की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी हुसैन की, इसलिए उसका जिक्र कर लेंगे। तो बात ये कर रहा हूं कि अगर कोई एक शेर में पूछे इस्लाम क्या है, तो वो शेर ये है, निहायत आए हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इस्लाम की तारीख कुर्बानी की तारीख, अगर कोई ये समझे कि इस्लाम का पैरेलल है, उसके इक्वल की वर्ड है, तो अगर मुझसे कोई पूछे जितना मैंने कुरान को स्टडी किया, तो मैं इसका एक उस लफ्ज के पैरेलल का हूं कि इस्लाम का मतलब क्या है, कुर्बान, कुर्बान, इस्लाम का मतलब क्या है, कुर्बानी। आपके साल का आगाज इस महीने से होता है, मुहर्रम से, और इख्तिताम किस महीने से होता है? पहला महीना भी कुर्बानी का, और आखिरी महीना भी कुर्बानी का, बल्कि ये पहला महीना है जो तुम हर रहो, ये एक और कुर्बानी का दिन है। उमरे फारूक, दुआए रसूल, खलीफा खलीफा फारूक के आज में उमर इब्न अल खत्ताब यकम यकम मुशरिक, आप देखें ये कुर्बानियां फैली हुई है इस्लाम की तारीख की तारीख। इस्लाम की बात कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पर खत्म होता है, इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया करबा कुर्बाना, उन दोनों ने ये जानना चाहा कि रब के करीब कौन है, और वो क्या कौन थे, हजरत आदम के बेटे हाबील और काबील, हाबील और काबील। चलो बस इन्हें तज़किरा थोड़ा सा जिक्र करते हैं, कईयों को शायद ना पता हो, कईयों को पता हो, पता हो कि हजरत आदम अलैहि सलाम का जब औलाद थी, तो एक हमल से दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। एक हमल से कितने बच्चे होते हैं? दो बच्चे, और शरीयत आदम में वो दो बहन भाई होते हैं, और अगले हमले हम जो दो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में बहन भाई होते हैं। ऐसे तो भाई सारे ही हैं और हम सब भी भाई भाई भाई, लेकिन वो जो एक लड़का एक हमल में होते हैं उनकी आपस में शादी नहीं होती, उनकी दूसरे हमल वाले से शादी हो जाती है। एक लड़का एक लड़की उधर, एक लड़का एक लड़की इधर, अब इनकी क्रॉस शादी होती है। हाबील के साथ एक लड़की पैदा हुई, काबील के साथ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन उनका आपस में निकाह नहीं, क्रॉस चलना, काबील छोटा था, हाबील बड़ा था। काबील की बहन खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, हज़रत हवा की तरह, और हाबील की बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी। अब जब शादी होना थी तो शरीयत के मुताबिक क्रॉस होना थी, हाबील की शादी काबील की बहन से और काबील की शादी हाबील की बहन से, लेकिन इस पे झगड़ा हो गया। काबील ने कहा नहीं, मैंने शादी उससे नहीं करनी, इसी से करती थी। आदम अलैहि सलाम ने कहा भाई ये तो कानून नहीं, रसूल ने कहा नहीं, हमें कानून नबी बना के लेना, और ये असूल ने इससे उसने कहा नहीं, अल्लाह से पूछ लेते हैं। आदम अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है, कुर्बानियां पेश करो दोनों, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई
उसी की मर्जी चले। दोनों भाई कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई इसका मतलब है कि खुदा उसके साथ, खुदा वो खुदा के करीब है और खुदा उसके साथ है, उसकी मर्जी चले। दोनों ने बकरे मैदान में रखे और दुआ की अल्लाह के खिलाफ। उस वक्त ये था कि कुर्बानी के लिए बकरा था तो आसमानों से बिजली आती और ले जा या जला दे, तो हाबील का बकरा चला गया और कबील का बकरा बस उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फिर उसके दिल में रकावत रहा, उसने अपने भाई बुखारी को कबील कर दिया। अल किस्सा मुकिस्सा, मैंने जो सारा वाकया आपका इसलिए किया है कि उन्होंने ये देख के लिए कि खुदा के करीब करीब खुदा के करीब कौन है, ये देखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। इदा करबा कुर्बाना फतकुबिल मिन अहदिहिमा वलम यतकबल मिन अल्लाह, तो एक की कबूल हो गई और दूसरे की कबूल, और इसके आखिर में जाके आखिर में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह यतकबलु मिनल मुमिनल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल कर लेता है। ये मोर होती है कि जिनकी कुर्बानी कबूल होती है वो लोग मुत्तकी हैं। बोलो क्या है? मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की कुर्बानी कबूल होती है, और जो मर्दूद हैं उनकी कुर्बानी कबूल, जिनकी माल उसने लेना होता है उन्हीं को तौफीक देता है खुदा के राह में, वो गरीब भी हो, वो गरीब भी हो उनको तौफीक देता है, उनका दिल खोल देता है, वो देते हैं वो कबूल कर लेता है, और जिनकी कबूल नहीं करनी होती उनको खुदा तो नहीं देती, माल चढ़ाने उनको तो ठीक नहीं देती। तो नतीजा ये है कि खुदा के और सिर्फ खुदा के लिए, मैंने तो मिसाल आपके दी ना, किसी के भी करीब होना हो, किसी के भी करीब होना हो तो उसके लिए कुर्बानी जरूरी है। और ये मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं, शॉर्ट का आप करीब और भी तरीके से किसी के, लेकिन कोई पहचान ना हो, कोई जान ना हो, कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिश्ता ना हो, और आप उसके दिल में घर कर जाओ और वो आपके लिए परेशान होना शुरू कर दे, अगर ये ताल्लुक जाते हैं किसी का तो उसके लिए कुर्बानी देनी है। ये अजल से ताल्लुक जारी है, आज भी जारी है और क्यामत तक चलता रहेगा।